children how are you all i'm sure you all are fine and taking good care of yourself so children let's begin with our next chapter which is buildings paintings and books points to study literature the two great epics the buddhist literature jain literature architecture sculpture paintings science mathematics and medicine india is the motherland of our race sanskrit is the mother of indo european languages she is the mother of our philosophy of our mathematics a mother of ideal embodied in different religions of india and she is also mother of our democracy india's achievement in the sphere of art literature science and education lie scattered abundantly to make the entire world spellbound इटालियंस मस्ट बी प्राउड ऑफ इट्स एनशियन आर्ट कल्चर लिटरेचर एंड साइंस तो बच्चों इंडिया जो है वो मदर लैंड माना जाता है हर किसी की और संस्कृत जो है ये मदर माना जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ये मदर मानी जाती है हमारी फ़िलासफी एंड हमारे मैथमेटिक्स और हमारे आइडियल्स का साथ ही साथ ये डिफरेंट रिलीजन्स को भी एम्बॉडीड करती है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं और ये हमारी डेमोक्रेसी का भी मदर मानी जाती है इंडिया का जो अचीवमेंट है इन द स्पेयर ऑफ आर्ट लिटरेचर साइंस एंड एजुकेशन वो लाई करता है स्कैट टू मेक द एंटायर वर्ल्ड स्पेल बाउंड ठीक है लिटरेचर इंडियन लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड ओल्ड एज कंपेयर टू लिटरेचर ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंडियन लिटरेचर इज पार्टली सेक्रेड एंड पार्टली सिकुलर Sacred literature. As regard to the sacred literature, reference may be made to the Vedic literature. Vedic literature, the word Vedas means knowledge. The Vedas were written by the Aryans. Vedic literature are Rigveda, Sam Veda, Yajurveda, and Arthar Veda. Rigveda, the Rig Veda is the earliest Vedic text. It is the collection of hymns in the praise of various gods such as Indra, Agni, Varun and Sun. Sam Veda. द साम वेदा इज़ अ टेक्स ऑफ प्रेयर्स विच वर टू बी संग वेन रिचुअल वर परफॉर्म्ड यजुर्वेदा दजुर्वेदा एक्सप्लेन द रिचुअल विच शुड ए कंपनी द रेसिटेशन ऑफ हाइम्स अथर्वेदा अथर्वेदा फोकस ऑन द बिलीव एंड कस्टम ऑफ द नॉन आयरन्स तो बच्चों लिटरेचर के बारे में जानते हैं इंटर इंडियन लिटरेचर जो है वो काफ़ी रिच मानी जाती है और ये काफ़ी पुरानी भी मानी जाती है ठीक है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडियन लिटरेचर जो है वो पार्टली सेक्रेट मानी जाती है और पार्टली सेकुलर भी मानी जाती है अब सेक्रेट लिटरेचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं सेक्रेट लिटरेचर जो है इसे हम वैदिक लिटरेचर भी कहते हैं ठीक है वैदिक लिटरेचर जो है वो आपको पता ही है ये वेदास होते हैं और वेदास जो हैं ये फोर पार्ट्स में डिवाइडेड मतलब फोर अलग अलग टाइप्स के होते हैं पहला है ऋग्वेदा ऋग्वेदा जो है ये अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट माना जाता है और इसमें आपके कलेक्शन ऑफ मंत्र हाइम्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं जिसमें गॉड का प्रेज किया होता है सेकेंड है सामवेदा सावेदा जो है वो टेक्स्ट ऑफ प्रेयर माना जाता है यजुर्वेदा जो है ये हमें रिचुअल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है और अथर्वेदा है जो ये फोकस करता है नॉन आर्यम के कस्टम एंड बिलीफ पे द ब्राह्मणास द ब्राह्मणास आर अप्रोस कमेंट्री ऑन द संहिताज और द आर्यन काज एंड उपनिषद द आर्यन काज एंड द उपनिषर्स एम्बोडी द फिलसफिकल मेडिटेशन ऑफ द लर्न सेजेज़ ऑन गॉड द सोल एंड द वर्ल्ड द गेव अस अ पिक्चर ऑफ द रिजियस अथॉट ऑफ द आयरन्स द नेम्स ऑफ द एटीन पुराणाज आर ब्रह्म पुराणा पद्म पुराणा विष्णु पुराणा सेविया और वैव्या पुराणा भगवता पुराणा नारदिया पुराणा मार्कंडे पुराणा अग्नदेया पुराणा भविष्या और भविष्यात्थ पुराणा ब्रह्म वेई वृत्ता पुराणा लिंगा पुराणा वराहा पुराणा स्कंद पुराणा वामना पुराणा कुर्मा पुराणा ब्रह्मंद पुराणा गरुड़ा पुराण मत्स्य पुराण द वेदगास इन एडिशन टू द अबव देयर आर सिक्स वेदेंगास विज़ फोनेटिक्स एस्ट्रोनॉमी रिचुअल ग्रामर एटिमोनोलॉजी एंड मेट्रिक्स

तो बच्चों अरंकाज एंड उपनिषद के बारे में जान लेते हैं अरंकाज एंड जो उपनिषद थे वो एम्बॉडी करते हैं हमारे फिलासफिकल मेडिटेशन को जो कि सेजेस ऑफ गॉड्स के बारे में हमें बताते हैं और यहाँ पे हमें 18 पुराना के बारे में बताया गया है इसके बाद आते हैं वेदंगाज इन एडिशन टू अब, अब, अब यहाँ पे सिक्स वेदंगाज हैं जो हमें इस तरह से बताए गए हैं और ये हमें हेल्प करते हैं वैदिक टेक्स को अंडरस्टैंड करने में इसके बाद सूत्राज आते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम स्पेशल स्कूल जो होते हैं ये हमें बताते थे किसके बारे में सिस्टमेटिक स्टडीज़ के बारे में उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में साथ ही साथ ये वेरियस ब्रांचेस ऑफ वैदिक नॉलेज के बारे में भी हमें बताते हैं द टू ग्रेट एपिक्स नेक्स्ट टू द वेदाज द टू ग्रेट एपिक द रामायणा एंड द महाभारत आर द मोस्ट फेमस बुक्स इन संस्कृत लिटरेचर The Ramayana. the Ramayana was composed by a great saint Valmiki. It is the story of Prince Rama of Ayodhya, who is believed to be an embodiment of Lord Vishnu. When he had to go to exile, his wife Sita and brother Lakshman went with him. Once Sita was kidnapped by Ravana, the king of Lanka, Rama, with the help of Hanuman, attacked on Lanka and killed Ravana. All returned to Ayodhya. Rama then ruled. आयोध्या। अब बच्चों हमें टू ग्रेट एपिक्स के बारे में पता चलता है। एक है है एक दूसरा महाभारत रामायण में हमने देखा ही है ये लिखा है किसने सेंट वाल्मीकि के थ्रू और इसमें जो प्रिंस हुआ करते थे अयोध्या के उनका नाम था राम उनके बारे में बताया गया उनके जीवन के बारे में बताया गया कि कैसे उनको वन में जाना पड़ा था अपनी वाइफ एंड अपने भाई के साथ और कैसे उनकी वाइफ को रावण ने किडनैप कर लिया था फिर अपनी वाइफ़ को छुड़ाने के लिए उनके चंगुल से आज़ाद करने के लिए उन्होंने रावण से लड़ाई की थी और उसे डिफीट किया था उसे मार गिराया था और फिर वो अपनी रानी के साथ अपनी वाइफ के साथ अपने भाई के साथ वापस कहाँ आ गए थे अयोध्या आ गए थे द महाभारत द महाभारत वॉज़ कम्पोज बाय अ ग्रेट सेंट वेद व्यास इट इज़ द स्टोरी ऑफ टू रॉयल फैमिलीज द कौरवास एंड द पांडुवास Krishna, who was the well-wisher of the Pandavas, is also believed to be an embodiment of Lord Vishnu. Krishna is the main and center character of this epic. In the war of Kurukshetra, the Pandavas defeated the Kauravas. ठीक है अब हम जान लेते हैं महाभारत के बारे में महाभारत जो थी वो लिखी गई थी सेंड वेद व्यास के थ्रू और इसमें दो रॉयल फैमिलीज की लड़ाई के बारे में बताया गया है दो रॉयल फैमिलीज कौन कौन सी थी कौरवास एंड द पांडवास हालांकि ये भाई थे एक दूसरे के लेकिन फिर भी इन्होंने आपस में एक दूसरे से क्या की थी महाभारत की लड़ाई की थी और कृष्णा जो थे लॉर्ड विष्णु के एक अवतार माने गए थे और उन्होंने पांडवास का इसमें क्या किया था साथ दिया था द भगवदगीता द भगवद गीता कंटेंस द एसेंस ऑफ हिंदू रिलीजियस फिलासफी इट इज़ द थीम पार्ट ऑफ द महाभारत इट स्ट्रेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कर्मा विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ एक्शंस भगवद गीता जो है इसमें आपको हिंदू रिलीजंस के एसेंस देखने को मिल जाते हैं साथ ही साथ ये थीम पार्ट माना जाता है महाभारत का इम्पॉर्टेंस ऑफ एपिक्स वेर एज द वेदास आर ओनली फॉर अ फ्यू द एपिक्स अपील्स टू द पीपल ऑफ़ एवरी क्लास they are a kind of minds whose treasure have been used by dramatists poets and storytellers the epics gives us an insight into the political and social conditions of the people in their times the dharmashastras like the smritis of manu yajna Valkyas, vishnu Brahaspati, narada etc also give us a lot of information about the hindu society they lay down the rules According to which the Hindus were required to conduct their lives. Punishments were also provided for the breach of those rules. The Manusmriti was composed between 200 BC and 200 AD. The other Smritis must have been written after that period. The Puranas belong to the latest production of Sanskrit literature. It came into existence during the last thousand years. The Puranas are 18 in numbers, but all of them are not equally important for historical purposes. As sources of history, we depend largely on the Vishnu Purana, Vayu Purana, Matasya Purana, Brahma Purana, and Bhavishya Purana. The Puranas can be used for the purpose of building up the history of ancient Indian geography. In them, we come across the names of very many cities which existed in their times. The distance between the various cities mentioned in the Puranas can also be determined approximately from the information contained in the Puranas. The Puranas help us to know, in many cases, the old names of the cities, rivers, and mountains. अब बच्चों हम जान लेते हैं एपिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में ठीक है जो वेदाज हैं ये हमें उस टाइम के वेदों के बारे में लैंग्वेज के बारे में तो बताते ही हैं पुराण्स के बारे में बताते हैं साथ से साथ जो धर्मशास्त्र हैं जैसे कि स्मृति ऑफ मनु है यजनावालिका है विष्णु बृहस्पति नारद ये भी हमें रूल्स के बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए ठीक है पुराना जो हैं ये लेटेस्ट प्रोडक्शन माने जाते हैं संस्कृत लिटरेचर का हालांकि ये एटीन है लेकिन इनमें से कुछ कुछ ही है जो है वो हमें हमारे ज्ञान के लिए इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी माने जाते हैं जैसे कि विष्णु पुराण है वायु पुराण है मत्स्य पुराण है एक्सेट्रा पुराना जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग अप द हिस्ट्री ऑफ एंशियन इंडियन जोग्राफी ठीक है इनसे हमें एनशियट टाइम पे जिस तरह के लोग हुआ करते थे उनके कल्चर उनकी संस्कृति के बारे में उनके रिलीजन के बारे में ये हमें बताते हैं ठीक है और साथ ही साथ ये मैनी सिटीज़ के बारे में भी हमें बताते हैं कि कैसे जो सिटीज़ थी वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी द बुद्धिस्ट लिटरेचर द बुद्धिस्ट लिटरेचर गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीरियड विच इमिजिएटली Preceded the accession of Bimbisara, it throws light on many topics uh, which are not uh, dealt with the Brahmical writers. The Buddhist literature is found in two languages, viz. Pali and Sanskrit. The Pali canon is divided into three Pitikas and baskets, with the Vinaya Pitika, the Sutta Pitika, and the Abhidhamma Pitika. The Vinaya Pitika contains disciplinary rules and regulations for leading a monastic life the sutta pitaka is a summary of the teachings of buddha it is the most important of the pitakas the abhidhamma pitaka consists of seven texts and deals with the doctrines of buddhas in a scholastic manner अब बच्चों बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में जानते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है उस पीरियड के बारे में ठीक है और इसे प्रसीड किया गया था विद द एक्सेशन ऑफ बिम्बी सारा ये लाइट थ्रो करता है ऑन द टॉपिक जो कि डील करते हैं विद बाय द ब्रह्मनिकल राइटर्स ठीक है बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो टू लैंग्वेज में पाई जाती है एक है पाली एंड दूसरा है संस्कृत पाली कैन जो है वो थ्री पार्ट्स में थ्री प्रतिकाज़ में डिवाइडेड है ठीक है और विनाया प्रतिका जो है इसमें डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है द धम्म पादा इज़ अ कलेक्शन ऑफ 423 हंड्रेड ऑफ बुद्धा द थेरागता इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोम्स कंपोज बाय मोंग्स द थेरीगता इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोम्स कंपोज बाय नंस द बुद्धा Vamsa is a collection of legends depicting the 24 lives of Buddha. There is also a mass of non-canonical literature in Pali and the most important in Milind Panha or questions of King Milinda. It is named after the Greek King Manindar. It resembles the dialogues of Plato and is written in a very elegant prose, it discusses a number of problems and disputed points of Buddhism. It is a masterpiece of Pali literature. The Lalita Vistara and Vayapulaya Sutras are important works in Sanskrit dealing with Buddhism. The Lalita Vistara is a embellished story of life of Buddha. The Vayapulaya Sutra deal with Buddhist doctrine in nine books. द नेल्ती प्रकारा डील्स विद द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध द पेटो को पदेशा एक्सप्लेन्स द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म बोथ ऑफ दीज वर्क्स आर कंसीडर्ड टू बी द राइटिंग ऑफ महा कंचना. बुद्ध घोषा लिव्ड इन सैलॉन इन द फिफ्थ सेंचुरी ए डी हि रोड कमेंट्रीज ऑन प्रैक्टिकली ऑल द पाली टेक्सट ऑफ द त्रिपित ही इज़ फेमस फॉर हिज विशु धी मग्गा अनदा धमा पाला उपासना कसापा धमा श्री एंड महासामी तो बच्चों हम जान लेते हैं धर्मपदा के बारे में धर्मपदा क्या है ये एक कलेक्शन माना जाता है 423 ट्वेंटी थ्री सिंग्स ऑफ बुद्धा का ठीक है जो तेरोगा है वो कलेक्शन माना जाता है पोम्स का जिसमें मोंग्स के द्वारा पोम्स जो थी वो बनाई गई थी ठीक है यहाँ पर आपको काफ़ी मास ऑफ नॉन कनोनिकल लिटरेचर देखने के लिए मिल जाएगा पाली लैंग्वेज में और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है मिलिंद पना और क्वेश्चंस ऑफ़ किंग मिलिंदा के बारे में ये नेम पड़ा था आफ्टर ग्रीक किंग मनिंदर और ये रिजेंबल करता है डायलॉग्स ऑफ प्लेटो और ये लिखा गया है वेरी एलिगेंट प्रोज में ये डिस्कस करता है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को और ये डिस्प्यूट करता है पॉइंट ऑफ बुद्धिज़्म को ठीक है साथ ही साथ ये मास्टर माना जाता है पाली लिटरेचर का इसके बाद काफ़ी ज्यादा जो लिटरेचर फॉर्म थी वो संस्कृत में लिखी गई थी और ये बताती है बुद्धिज़्म के बारे में ठीक है जो नेल्ती प्रकार है वो डील करता है टीचिंग ऑफ बुद्धा का और साथ ही साथ ये बताता है बुद्धिज़्म के त्रुत के बारे में उनके जो प्रचार प्रसार था उनका जो धर्म था उसके बारे में हमें इसमें देखने को मिलता है नागार्जुना वॉज़ अ ग्रेट टीचर ऑफ बुद्धिज़्म ही वॉज़ द ऑथर ऑफ सतासा हरिका प्रजना मिता एंड द मध्यामिका सूत्रास आर्यविदा वॉज ऑल्सो अ ग्रेट राइटर असंगा वॉज द ऑथर ऑफ महायना महयना वसु बंधु वॉज द ऑथर ऑफ दिग नागा लेंड्रा गोमिन एंड शांति देवा वर ग्रेट स्कॉलर्स अश्वघोषा वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता बुद्धचरिता लंकारा सौंद्रा Nanda, Kavya, and Mahayana Shraddho Pada. The Jatkas deal with the previous uh, birth of Buddha. About 549 Jatka stories have been collected in this book. From the Jatkas, we can draw a picture of the political, social, economic, and religious condition of the people. द जटकाज हैव बीन असाइंड टू द सेकेंड और थर्ड सेंचुरी बी सी अब बच्चों आगे से बताया गया है कि नागर्जुना जो थे वो ग्रेट टीचर माने जाते हैं बुद्धिजम के उस न, उन्होंने क्या किया था बुद्धिजम का काफ़ी जगह पे प्रचार प्रसार किया था और वो उसके टीचर माने जाते हैं क्योंकि उनके काफ़ी अनुयायी जो थे वो उनको फॉलो किया करते थे जो झटकाज है वो डील करती है विद द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा मतलब बुद्धा के बर्थ से पहले की घटनाएं इन्होंने झटकाज टेल में बताई गई है और ऐसा कहा जाता है कि अबाउट फोर फाइव फोर्टी नाइन झटका स्टोरी जो है वो कलेक्ट की गई है बुक में झटकाज के थ्रू हम पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस कंडीशन जो है वो पता कर पाते हैं उस जमाने के लोगों के बारे में जैन लिटरेचर जैन लिटरेचर ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन द kakshas of Vishakadatta gives the story of Chandragupta Maurya and Chanakya. It explains how the Nandas were overthrown and Chandragupta became the king of Magda. The Arthashastra of Kautilya contains a lot of information. It not only gives detailed information regarding the system of administration but also give an idea of the social and religious life of the people. पतंजलीज़ महाभाषिया एंड पानिनीस अष्ट देवयी आर वर्क्स ऑफ संस्कृत ग्रामर बट देर आर सम ओकेजनल रेफरेंसेज टू किंग्स रिपब्लिकस एंड अदर पोलिटिकल इवेंट्स हरी सेना वॉज़ अ पोर्ट लॉरिड ऑफ समुद्र गुप्ता हेज़ पोर्टिकल वर्क्स एस्पेसली द प्रसस्ती ऑन द अलाहाबाद पिलर इंसक्रिप्शन थ्रू अ फ्लड ऑफ लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्र गुप्ता द ड्रामाज ऑफ कालिदासा, सच ऐस अभिज्ञानम शकुंतलम मेघदूत, कुमार संभव रघु, रघुवंशम एक्सेट्रा गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ पीपल द टू ड्रामाज ऑफ भाषा नोन एज स्वप्नम वशा वधता एंड प्रतिज्ञा यौ गण गंधर्याना सप्लाई अस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ किंग प्रद्योत्ता of Ojan the three dramatic works attribute of Harsha through interesting light on the history of 7th century AD these works are the Nagananda the Ratnavali and the Priya Tarshika certain writer took the lives of their royal patrons as the theme of their literary works banabhatta wrote Harsha Charika or life of harsha in prose this book is useful not only from the point of view of political history but also for depicting the economic social and religious life of people of the 7th century ad vakpati and bilhana describe the achievement of the yashovarman and Vikramaditya in the go deva Vo and vikrama vikramananda deva charit अनदर पोलिटिकल वर्क्स नेम रामचरित टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग रामपल ऑफ बंगाल द अदर बायोग्राफिकल वर्क्स आर द कुमार पाला चरित्र ऑफ जया सिमहा कुमार पाला चरित्र ऑफ हेमचंद्रा हेमीरा काव्या ऑफ नाव्यचंद्र नावसहांका चरित ऑफ पद्मगुप्ता बोझ प्रबंध ऑफ बल्ला पृथ्वीराज रासो ऑफ चंद बरदाई एंड पृथ्वीराज वजाई ऑफ एंड अनोन राइटर द अबव वर्गस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज जर्नल हिस्ट्री ऑल दो दे कंटेन वैल्यूएबल हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन द राज तरयन गिन्नी ऑफ कल्याण वॉज रिटन इन इलेवन हंड्रेड फोर्टी नाइन टू फिफ्टी ए डी दिस इज़ द ओनली वर्क इन एंशंट इंडियन लिटरेचर दैट कैन बी रिकॉर्डेड एज एन हिस्टोरिकल टेक्स्ट इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड रेफरेंस है मे बी मेड टू द क्रॉनिकल ऑफ गुजरात द वेल नोन वर्क आर रसमाला एंड कृति कॉमेडी ऑफ सोमेश्वर सुकृता समकृतिना ऑफ अरी सिम्हा प्रबंध चिंतानी ऑफ मेरिसंगा प्रबंध कोशा ऑफ राज हरा हमिर मध मारदना ऑफ जैस में ही एक्सेट्रा दीज आर ट्रेजर हाउसेज ऑफ स्टोरीज एंड फेबल्स एज वेल एज हिस्टोरिकल एंड सी डोर्स तो बच्चों में यहाँ पे जान लेते हैं जैन लिटरेचर के बारे में जैन लिटरेचर जो है इसमें आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो मुद्राक्षा ऑफ विशाखा दत्ता है ये आपको स्टोरी बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में और ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे नंदाज जो थे उनको उनके सिंहासन से हटा दिया गया था और चंद्रगुप्ता जो था वो मगध का राजा बन गया था ठीक है अर्थशास्त्र जो है कौटल्या ने लिखा है और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन ये बताता है साथ से साथ आपको सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में कि उस टाइम के लोग जो थे वो कैसी सोशल एंड रिलीजियस लाइफ जिया करते थे पतंजलि के जो महाभाष्य है और पणिनी की जो अष्ट है ये भी संस्कृत ग्रामर में ही लिखी गई है और साथ ही साथ ये भी पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में रिपब्लिक्स के बारे में किंग्स के बारे में हमें रेफरेंस देती है हरी सेना जो है ये एक पोएट लॉरेट माना जाता है समुद्र गुप्ता का और ये उनके पॉलिटिकल वर्क के बारे में हमें बताता है साथ ही साथ उनकी अचीवमेंट पे भी प्रकाश डालता है जो ड्रामा है कालीदासा का वो भी हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ पीपल जो ट्रू ड्रामाज हैं भाषा के जिन्हें हम स्वप्न वसा वद्धा कहते हैं एंड प्रगतिज्ञा यव गंग धराना कहते हैं वो सप्लाइज करते हैं हमें इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में और साथ ही साथ ये उज्जैन के पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी बताते हैं जो थ्री ड्रामेटिक वर्क्स हैं एट्रीब्यूट जो कि हर्ष के द्वारा दिए गए थे वो भी हमें सेवन्थ सेंचुरी के जो उस टाइम का सोसाइटी हुआ करती थी उसके बारे में बताते हैं कुछ वर्क जो हैं कुछ राइटर्स जो हैं उन्होंने रॉयल पेट्रोन्स के ऊपर प्रकाश डाला है और उनके लिटरेरी वर्क के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दी है वकपति एन बिल्हाना जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं अचीवमेंट ऑफ यशो वर्मन और विक्रमादित्य के बारे में तो बच्चों इसके साथ जो राजतरंगनी है कल्याण की वो लिखी गई थी 1100 हंड्रेड के आसपास और ये हमें एंशन इंडियन लिटरेचर के बारे में बताती है और साथ ही साथ ये हमें उस जमाने के ट्रू सेंस के बारे में हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में भी बताती है इन द ड्रविडियन लैंग्वेज देयर आर मेनी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी ए डी ऑनवर्ड्स द तमिल संगम वर्कस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरीज गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द साउथ इंडिया सिविलाइजेशन इन कन्नाडा एंड तेलुगु देयर आर मेनी पोम्स विच गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ the deccans some tamil works are as under first melanaka these are narrative texts comprising 18 major works which contain eight anthologies and 10 idylls simple descriptive works either in poetry or prose kilanka these are 18 minor didactic works third kurai the kurai of Tim Valuer bears marks of a high classical standard of Tamil literature. It provides valuable information of the land revenue system of the Chera and Pandya rulers. It is said to have been written in 2nd century AD. It has been sometimes called the Bible of the South. Fourth, Sila Padikaram, a Tamil abic written in the 2nd century AD. Fifth, Pediru Pattu. अ बुक ऑफ टेन वर्सेज थ्रोइंग लाइट ऑन द चेरासिक पुराना नेत्रू अ तमिल अपिक विच रिलेट्स टू द स्ट्रगल ऑफ़ द रूलर इन द मिडल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बी सी तो बुझे द्रिविडन लैंग्वेज में हमें काफ़ी सारे हिस्टोकल हिस्टोरिकल रेफरेंस देखने के लिए मिलते हैं हमारे पोलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जो कि हमारे इंडिया के बारे में सेकेंड सेंचुरी ऑन वर्ड्स कैसी हुआ करती थी उसके बारे में बताते हैं तमिल संगम जो है वो वर्क करता है ऑन सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरीज जो कि हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द साउथ इंडिया सिविलाइजेशन कुछ है, तमिल वर्क जो हैं वो इस तरह से हैं जैसे कि मेलेनक्का ये नैरेटिव टेक्स्ट माना जाता है जिसमें 18 मेजर वर्क्स को इंक्लूड किया जाता है और इसमें एट एंट्रोलॉजीज़ और टेन आइडलीज को भी इंक्लूड किया जाता है इसके बाद किलनक्का है जो कि 18 माने डिटाइट वर्क्स को इंक्लूड करता है तो बच्चों इसके बाद आता है कुरई कुराई जो है ये तमिल लिटरेचर के स्टैंडर्ड के बारे में हमें बताता है और ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें देता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में इसके बाद आता है सिला पड्डी करम ये एक तमिल एपिक है जो कि लिखा गया था सेकेंड सेंचुरी ए के आसपास इसके बाद आता है पड्डी रूपट्टू ये एक बुक है जिसमें टेन वर्सेस थ्रोइंग लाइट ऑन द चिराज चिराज के ऊपर ये प्रकाश डालती है इसके बाद आता है पूरा थ्रू ये एक तमिल एपिक है जो कि स्ट्रगल जो उस टाइम के जो रूलर्स हुआ करते थे उनके स्ट्रगल के बारे में ये हमें बताती है आर्किटेक्चर इंडिया हैज प्रोफाइल कल्चर हेरिटेज रूलर्स ऑफ ऑल एम्पायर एनकरेज the architecture they built beautiful monuments and motivated their successors architecture was at its zenith during the reign of the mauryan rulers especially ashoka the great ashoka built a large number of stupas viharas and monasteries during his reign historians suggest that the number of monuments are 84000 they made stupa at sarnath Varanasi and great stupa of Sanchi are masterpieces of architecture. Stupas are dome-shaped monuments built on the Buddha's relics remains of Buddha such as hair, teeth and bone are held sacred. Both most of the architecture in the Satavahana dynasty were religious, particularly Buddhist. During this era the monuments built were Buddhist Chatyas, stupas and viharas. Chaityas are rock-cut caves, structures with massive carved pillars on each side. Chaityas at Karle Pune is such beautiful examples of rock-cut cave structures. The most famous stupa of the Satavahana era is Stupa at Amravati in uh, Andhra Pradesh. It has so many sculptures depicting scenes from... द लाइफ ऑफ बुद्धा तो बच्चों उस जमाने के आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो जो रूलर्स हुआ करते थे उस जमाने के वो काफ़ी अच्छे अच्छे beautiful monuments वगैरह बनाए करते थे ताकि अपने सक्सेसर्स को अपने आने वाली पीढ़ी को वो मोटिवेट कर सकें आर्किटेक्चर जो था उस टाइम पर काफ़ी चरम सीमा पर था मॉडर्न रूलर्स जो थे जैसे कि अशोका द ग्रेट उन्होंने अपने टाइम पे स्तूपाज बनाए हैं विहाराज बनाए मोनेस्ट्रीज बनाई हैं और काफ़ी सारे पिलर्स वगैरह भी उन्होंने बनाए हैं काफी सारे मोन्यूमेंट्स वगैरह भी उन्होंने बनाए हैं आर्किटेक्चर के थ्रू ठीक है मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर जो था वो सतावना का भी निर्माण हुआ था अ नंबर ऑफ विहाराज और मोनिस्ट्रीज वो बिल्ड वर इन फॉर्म ऑफ ह्यूज केव्स कट इन टू हिल्स एंड डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स during the period of gupta dynasty worship of the images of gods and goddesses was very popular among the followers of hinduism hence temples were built to worship the images of gods or goddesses rulers of the gupta dynasty built many temples these Temples were constructed of bricks and stones. A temple has a small central room where the image of the main deity is placed, and such a place is known as Garb Greha. The religious rituals were performed by the priest in the Garb Greha. A shikara has been found on the top of the Garb Greha to mark it as a temple site. Such an example is the temple of Bhita in Uttar Pradesh. Some temples in the northern India had an open space for devotees as assembled. Such a space was known as a mandapa. The Dashavatar temple at Deogar Jasi, the temple of Bithara Rao in Kanpur in Uttar Pradesh, and the temple at Sanchi are beautiful examples of architecture of the Gupta dynasty. The cave temples at Ajanta are good examples of temples built during the Gupta range. The Mahabodhi temple at Bodh Gaya and the Nalanda University at Nalanda in Bihar were built by Gupta rulers. Nalanda University was the first residential university in the entire world. अब बच्चों उस ज़माने के टेंपल्स के बारे में भी बताया कि जो टेंपल्स हुआ करते थे वहाँ पे एक स्मॉल सेंटर रूम हुआ करता था जिसमें जो भगवान वगैरह होते थे या जो देवी देवता होते थे उनकी इमेजेस वगैरह उनकी मूर्ति वगैरह रखी जाती थी और उस प्लेस को गर्भगृह कहा जाता था ठीक है वहाँ पर एक शिकारा माना जाता था कि उस गर्भगृह के ठीक टॉप पर एक शिकारा हुआ जाता था बनाया जाता था जिससे ये पता चलता था कि ये क्या है ये एक मंदिर है और वहां पे एक ओपन एरिया भी होता था जहां पे हवन वगैरह हुआ करते थे जिसे मंडप वगैरह कहा जाता था ठीक है नाउ अ नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु हैज बीन डिस्कवर्ड एट सारनाथ एंड मथुरा द रूलर ऑफ साउथ इंडिया वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर द रूलर्स ऑफ चालुक्याज एंड द पालवाज वर इन द फोर फ्रंट The Chalukya rulers built beautiful stone temples and cave shrine dedicated to Lord Vishnu and Lord Shiva at Pattadakal, Aihole and Vatapi. They also built a large number of Buddhist monasteries. The Pallava rulers were also a great patron of art and architecture. They built beautiful temples. The Rath Temple at Mahabalipuram was carved out of a single rock. The Shore Temple at Mahabalipuram, 2 is a famous temple built by the rulers of Pallavas. It consists of three shrines, two of which are dedicated to Lord Shiva and one to Lord Vishnu. The Kalashna temple at Kanchipuram is famous for its beautiful sculptured interiors. इट वॉज ऑल्सो बेल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ पालवास अब मंदिर के साथ साथ वहाँ पे काफी सारी मॉनिस्ट्रीज भी बनी थी क्योंकि उस टाइम पे बुद्धिज्म जैनिज्म का चरम सीमा पर था मतलब वो जो धर्म थे वो भी काफी ज्यादा फेमस थे और लोग उन्हें काफी फॉलो करते थे तो उनके जो अनुयायी वगैरह हुआ करते थे उनके रहने के लिए मॉनिस्ट्रीज वगैरह भी बनी थी उस टाइम पे स्कल्पर पर फर्स्ट स्कल्पर्ड ऑब्जेक्ट्स वर मेड बाय न्योलिथिक पीपल पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन Sculpture objects by using mud and clay during the Mauryan period, a number of stone pillars were carved out and polished that looked like metals. Some of them had carved animals on top called capitals. The lion capital from the pillar at Sarnath is the most beautiful stone pillar. The lion capital is our national emblem. This capital has following four parts. At the base, there is a well shaped inverted lotus with long petals. Above this is a drum shaped pedestal bearing four chakras or wheels facing four different directions. Between the chakras are four animals a horse, a lion, an elephant, and a bull. Above the pedestal, there are four beautiful carved and polished lions sitting back to back so that they face four different directions they represent the power of the emperor originally the lions supported a huge dharma chakra or wheel of law which represented the law of the buddha this wheel is now in pieces. The lion capital and the wheel are of special significance to us. The lion capital is printed on our currency and government documents. The wheel appears on our national flag. We find impact of foreign dynasties on the Gandhara and Mathura school of art with which the art of sculpture further developed. The statue of seated Buddha is one of the finest example of the gupta sculpture it shows buddha in the pose of preaching the dharma his spiritual strength has been represented by the hollow around his head अब स्कल्पचर के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे हमें इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताया है कि उन्होंने काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्ट थे उसे स्कल्पचर्ड किया था वो स्कल्पचर करते थे क्ले एंड मड को यूज़ करके और मॉडर्न पीरियड के दौरान नंबर ऑफ स्टोन पिलर जो थे वो कार्व किए गए थे और इस तरह से कार्व किए गए थे कि उसमें जो एनिमल्स की पिक्चर थी या ह्यूमंस की पिक्चर थी वो उभर कर आती थी ठीक है इसमें कुछ एनिमल भी थे और कुछ चीज़ें जो थी वो मेटल वगैरह की भी बनी हुई हुई थी जिन्हें कैपिटल कहा जाता था ठीक है लाइन कैपिटल जो है वो एक पिलर है सारनाथ में और वो इस तरह से काव किया गया है कि उसमें नेचर को भी दिखाया गया है एनिमल्स को भी दिखाया गया है और अलग सिंबल्स को भी उसमें The Paintings. The history of painting is very old. At first, it was started by the earliest people who painted the walls of the caves in which they lived. The art of painting on wall has got perfection under the patronage of the Gupta and the Chalukya dynasties. The beautiful painting on the wall of Ajanta cave depicts scenes from the life of Buddha. Paintings done on the walls are known as. मुरल्स द कलर ऑफ पेंटिंग्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स एंड प्लांट विद स्टिल सस्टेन देअर ग्लेस अब उस टाइम के पेंटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जो पेंटिंग है हिस्ट्री मतलब पेंटिंग की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ओल्ड है और पहले जो अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे जो एंशंट पीपल हुआ करते थे वो पहले काव किया करते थे अपनी केव्स में जो उनकी गुफाएं होती थी उनकी वॉल्स पे वो पेंटिंग वगैरह किया करते थे धीरे धीरे कलर्स वगैरह आने लगे ये लोग फूल पत्तियों का इस्तेमाल करने लगे उनको कलर के रूप में यूज़ करने लगे और फिर पेंटिंग वगैरह जो थी वो बनने लगी थी इसके बाद ये मिनरल्स वगैरह भी यूज़ करते थे पेंटिंग्स वगैरह के कलर्स बनाने के लिए science mathematics and medicine the indian science has been very advanced from the ancient period people of indus valley civilization were sign scientifically advanced their city planning was based on scientific principles strict uniformity in construction of houses roads drainage system standardization of measurement and definite size and shape of bricks found from several sites in India suggests that science uh, was at its zenith. During the early centuries of ancient India, Charka and Sushruta were the two famous persons. Charka wrote Charka Samhita, while Sushruta wrote Sushruta Samhita. Great physicians like Brahmagupta, Vagbhatta, and dhanvantri also adorned this era. This is believed that they performed thousands of operations, especially of the reconstruction of the nose during this period. Astronomy was also improved. It laid importance on diet and cleanliness. अब बच्चों यहाँ पे science, mathematics and medicine के बारे में जान लेते हैं कि उस टाइम पे ये किस तरह की हुआ करती थी। Indian science जो है ये काफी advanced रही है ancient period से ही। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल हुआ करते थे वो साइंटिफिकली एडवांस्ड हुआ करते थे जो उनकी सिटी की प्लानिंग थी और जो बाकी चीज़ें हुआ करती थी कि किस तरह से नगर में जो नालियों का या ड्रेनेज सिस्टम बनेगा वो वही लोग किया करते थे ठीक है और उनका जो मेजरमेंट वगैरह हुआ करता था वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ करता था उनका साइज़ वगैरह जो उनका मेजरमेंट हुआ करता था वो भी वो बिल्कुल एक्यूरेट लिया करते थे इस टाइम पे चरका एंड जो शुश्रत थे वो दो फेमस पर्सन माने जाते थे जिन्होंने साइंस के ऊपर मैथमेटिक्स के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स और किताबें वगैरह उन्होंने लिखी है ये माना जाता है कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म किया था इस्पेशली नोज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस पीरियड में एस्ट्रोनॉमी जो थी वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी और उसके उसके बाद क्लिनिनेस वग़ैरह पे भी डाइट वग़ैरह पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा Atharva Veda has mentioned the different methods used to diagnose diseases and prescribe medicines. Aryabhatta was a great mathematician and astronomer. He wrote two famous books, Aryabhatta Nimam and Surya Siddhanta. He was the first to state that the day and night were caused due to the rotation of the earth on its axis. He explained the cause of the lunar and solar eclipse too. Varha Mihira was also a great scientist of Gupta period. He proved that the moon rotates around the earth and the earth rotates around the sun. Brihat Sanita deals with astronomy and mathematics. The iron pillar and coins of this period suggest the advancement in metallurgy. Both iron and bronze were known to them the indian mathematics during this period used two decimal system of numerals it was adopted by the arabs and from them it was learned by the europeans in fact great progress was made in the field of astronomy mathematics and medicine especially the gupta period was the golden period of indian history it was the most prosperous पीरियड एंड इंडिया मेड मार्वलस प्रोग्रेस इन आर्ट साइंस लिटरेचर एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स अब बच्चों आगे यहाँ पे बताया जाता है कि आर्यभट्टा जो थे वो भी फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर माने जाते थे उन्होंने जीरो और डेसीमल की खोज की थी और साथ ही साथ उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी तरक्की की थी उन्होंने ही बताया था कि अर्थ जो है वो सन के आसपास चक्कर लगाती है और उन्होंने लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स के जो केस था उसको भी सॉल्व किया था लोगों को एक्सप्लेन किया था ठीक है कॉइंस वगैरह के बारे में पता चलता है कि कॉइन्स वगैरह जो थे उस पीरियड के बताते हैं कि जो मेटल एलर्जी थी उसकी एडवांसमेंट कितनी बढ़ चुकी थी ठीक है और आयरन एंड ब्रॉन्स जो थे वो भी लोगों को क्या हो चुके थे परिचित हो चुके थे इसके बारे में इंडियन मैथमेटिक्स जो थे उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था उन्होंने डेसिमल वगैरह न्यूमरस वगैरह का भी क्या किया था निर्माण किया था और इसी से जो डेसिमल था वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फैला था ठीक है तो मोटे तौर पर बताया जाता है कि उस जमाने में मैथमेटिक्स में मेडिकल में काफी तरक्की जो थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी की वर्ड्स सेट ऑफ रनिंग कमेंट्स ऑन अ बुक हाइम्स अ सॉन्ग ऑफ प्रेज़ टू गॉड फिलोसोफिकल पर्टेनिंग टू फिलॉसफी मेडिटेशंस द एक्टिंग ऑफ मेडिटेटिंग फोनेटिक्स द साइंस ऑफ साउंड एस्ट्रोनॉमी द साइंस विच ट्रीट ऑफ हेमली बॉडीज रिचुअल ऑफ रिलीजियस राइट्स grammar the science of the right use of a language etymology facts relating to the origin metrics involving poetic measure manuals pertaining to or done with the hands stupas mounds containing remains of buddha chaityas worship or prayer halls for buddhist monks monasteries shelter for buddhist monks garbhagriha a small room where the chief deity was placed shikara a structure built over the garbhagriha mandapa open space or courtyard of the garbhagriha epic a collection of a long poem let's recapitulate india produced valuable philosophical literature in the form of vedas and upanishads which inspire scholars of all lands rig veda is regarded as the oldest scripture in the world stupas were raised all over india by ashoka in honor of buddha Free source of Ajanta caves are masterpiece of wall paintings presenting scenes from the life of Buddha. The Gandhara School of Arts and Mathura School of Arts flourished during the reign of Gupta kings. India invented a zero and place value system of writing numbers Panini was the great grammarian of the 5th century BC so children i hope you understood the chapter very well now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself